वेलकम टू माई चैनल कैरियर हब। आज मैं आपको बताऊंगा जो ग्रामीण डाक सेवक के जो जम्मू कश्मीर के फॉर्म हैं उनकी डिटेल्स आपको बताऊंगा कि कैसे क्या क्या इसमें है। PDF पूरा आपको मैं बताऊंगा। इसमें ब्रांच पोस्ट मास्टर की पोस्ट हैं, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की पोस्ट हैं और डाक सेवक की पोस्ट। और ये चीज़ है कि SC ST PWD और वुमेंस के लिए कोई भी फी नहीं है। मैं इसको जूम कर देता हूँ, अब आप आसानी से देख सकते हैं। SC ST PWD और वुमेंस के लिए कोई फ़ी नहीं है और बाकी वाले के लिए 100 रुपीज़ फीस है। 100 के लिए आप 5 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, मैक्सिमम आप 20 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, तो उसके लिए 400 रुपया लगेगा, 400 रुपीज़। ये पे दी हुई है ब्रांच पोस्ट मास्टर की 12,000 है। अगर 4 घंटे काम करेगा, अगर 5 घंटे करेगा तो 14,500 है। इस तरीके ABPM असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर या डाक सेवक के लिए 10,000 है 4 घंटे के लिए, और अगर 5 घंटे काम करेगा तो 12,000। एलिजिबिलिटी इसमें एज दी हुई है, एज 18 से 40 साल के दरमियान जो भी है वो भर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन SC ST के लिए 5 साल है, OBC के लिए 3 साल, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए नो रिलैक्सेशन, कोई रिलैक्सेशन नहीं है। PWD के लिए 10 साल, PWD प्लस OBC अगर है तो 13 साल, अगर PWD प्लस SC ST है तो 15 साल। EWS के लिए कोई भी, देर विल बी नो रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट टू EWS कैंडिडेट्स, इनके लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है। इकोनॉमिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th पास होना चाहिए, सिर्फ 10th चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। एक ये और कंपलसरी नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज हिंदी या उर्दू J&K के लिए ज़रूरी है। यहाँ दी लैंग्वेज कौन कौन सी आनी चाहिए। उसके बाद कंप्यूटर का सर्टिफिकेट 3 महीने का होना चाहिए। यहाँ लिखा हुआ टू फर्निश बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ एटलीस्ट 60 डेज, 2 महीने का चाहिए, 3 महीने का नहीं, 2 महीने का सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आपने 12th या कॉलेज में पढ़ा हुआ है हायर क्वालिफिकेशन में तो, या डिप्लोमा किया हुआ, तो फिर आपको ज़रूरत ही नहीं है सर्टिफिकेट की। अगर सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है 12th में या कॉलेज के टाइम, रेजिडेंस मतलब कि जो ब्रांच पोस्ट मास्टर होगा तो उसको बिल्डिंग वगैरह वो खुद अपने खर्चे पर लेनी है, उसके लिए डिटेल दी हुई है। साइकिलिंग का नॉलेज होना ज़रूरी है। उसके बाद एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिविंग, मतलब कि आपके पास और कोई आमदन का ज़रिया होना चाहिए इस पोस्ट के अलावा भी, ये आपको कंपलसरी है आपके लिए। सिक्योरिटी 1 लाख है इसमें, 1 लाख सिक्योरिटी आपको डिपॉजिट करनी है सिलेक्शन के टाइम। एकोमोडेशन ये प्रोवाइड करनी है वो ब्रांच पोस्ट ऑफिस के लिए जो सिलेक्ट होंगे उन कैंडिडेट्स के लिए, बिल्डिंग्स आपको खुद ही लेनी है। उसके बाद है इसमें फीस के बारे में दिए हुए, मैंने बता दिया आपको 100 रुपीज़ फीस है। और SC ST और PWD वुमेंस के लिए, ट्रांसजेंडर के लिए कोई फी नहीं है। सिलेक्शन आपकी 10th के मार्क्स के बेसिस पर होगी। उसके बाद कुछ खास नहीं दिया हुआ इसमें। यहाँ पर फॉर टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है, यह भी एक वेबसाइट है, यहाँ पर भी जा सकते हो, ज़्यादा इस पर जाएँ तो अच्छा है, india.post.gov.in। दूसरी वीडियो मैंने बनाई हुई है कैसे अप्लाई करना है, तो वो भी आप देख सकते हो। 5 अगस्त जो है इसकी लास्ट डेट है, 5 अगस्त। इसके लिए क्या क्या चाहिए, नेम, फादर नेम आपको डालना है, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कम्युनिटी, PH, फिजिकली हैंडीकैप, स्टेट, बोर्ड कहाँ से पास किया है, ईयर ऑफ पासिंग, रोल नंबर वगैरह, सर्टिफिकेट नंबर, ये सब कुछ आपको डालना है। फ़ी पेमेंट करनी है, पहले प्रोफाइल क्रिएट करनी है, फिर उसके बाद फ़ी पेमेंट करनी है। अगर फ़ी नहीं है आपकी तो फिर रिलैक्सेशन है तो फिर नहीं करनी है, फिर आपको डायरेक्ट आगे पोस्ट के ऊपर अप्लाई करना। 100 रुपये के लिए आप 5 फॉर्म भर सकते हो, टोटल आप 20 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये वाला सर्टिफिकेट 10th क्लास का आपको अपलोड करना, मार्क लिस्ट सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, अगर 10th में डेट ऑफ बर्थ नहीं दी हुई है तो यहाँ पर आपको अप्लाई करना। कंप्यूटर सर्टिफिकेट जो जिस क्लास में भी पढ़ा हुआ है आपको वो सर्टिफिकेट इसके साथ अटैच ज़रूर करना। कम्युनिटी सर्टिफिकेट, फोटो सिग्नेचर, सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी, सर्टिफिकेट ऑफ ट्रांसजेंडर, बाकी ये पोस्ट दी, ये आप नीचे पढ़ सकते हैं कि इसकी जगह कितनी है और कौन कौन सी है। ये सबसे ज़रूरी कैटेगरी है,
उसके बाद पोस्ट नेम है और उस जगह का नाम है, ब्रांच ऑफिस जहाँ पर वो लोकेट करती है और किस सर्कल में पड़ती है, डिवीज़न में, ये आपको देखना है। और उसमें अनरिजर्वड ही पोस्ट है या SC की है या EWS की है, तो ये आपको देख के सिलेक्ट करना है कि जहाँ मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो वहाँ पर उस जगह पर वो अनरिजर्वड की पोस्ट है या नहीं, तो फिर देख के ये भरना है आपको आराम से, ताकि गलत ना हो जाए। यहाँ देखो GDS वो पोस्ट मास्टर की ही पोस्ट है, दूसरी नहीं है, तो इस यहाँ पर ये अलग पोस्ट है, तो ऐसे आपको देख के भरना कि किस जगह भरना। जैसे ये जम्मू डिवीज़न है, तो ऐसे नीचे आपको मिलेगा रजौरी डिवीज़न, उसके नीचे मिलेगा उधमपुर डिवीज़न, उसके नीचे मिलेगा बारामूला डिवीज़न, उसके बाद लेह डिवीज़न मिलेगा, किसी भी डिवीज़न में आप अप्लाई कर सकते, श्रीनगर। तो देख के भरना कि किस जगह पर कौन सी पोस्ट है, तो उसके लिए देख के भरना। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें फॉर लेटेस्ट वीडियोज़। बाकी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।